इस वीडियो में देखेंगे यूबॉन की पहली ऐसी वायरलेस नेकबैंड है जो आपको टाइप सी जैक के साथ देखने को मिलती है। पास यूबॉन की तरफ से दो वायरलेस नेकबैंड है जो आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों एक जो वायरलेस नेकबैंड है वो हमें देखने को मिल जाती है खिलाड़ी सीरीज से, और दूसरा जो वायरलेस नेकबैंड है वो हमें यहां पर देखने को मिल जाता है हंगामा सीरीज से। तो दोस्तों हम यहां पर बात कर लेते हैं जो हमारे पास खिलाड़ी सीरीज की वायरलेस नेकबैंड है, इसका जो बैटरी बैकअप है ये हमें 30 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं जो इसका मॉडल है CL3990, तो ये हमें खिलाड़ी सीरीज के जो वायरलेस नेकबैंड है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस नेकबैंड की 6 मंथ की वारंटी आपको देखने को मिलती है, और बैक से देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से इसकी डिज़ाइन देखने को मिलती है, और जो इसके हाईलाइट फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी वायरलेस नेकबैंड है जो हमें खिलाड़ी सीरीज से देखने को मिलती है। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास हंगामा सीरीज और जो इसका मॉडल नंबर है वो आप यहाँ पर देख सकते हो CL3870, तो ये हमें हंगामा सीरीज की तरफ से देखने को मिल जाता है, और ये यूबॉन का ही एक वायरलेस नेकबैंड है। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं जो इसका बैटरी बैकअप है वो भी आपको यहाँ पर 30 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, और दोस्तों इसमें भी 6 मंथ की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है। और जो इसके हाईलाइट फीचर्स हैं वो आप यहां पर देख सकते हो, इस तरीके से इसके हाईलाइट फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और बैक से देखोगे तो दोस्तों जो इसका बॉक्स है वो आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी जो वायरलेस नेकबैंड है उसको देख सकते हो किस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा इसके बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं किस तरीके की जो हमारी वायरलेस नेकबैंड है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों पहले हम ओपन कर लेते हैं जो हमारी वायरलेस नेकबैंड खिलाड़ी सीरीज की है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके का जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। हमारी ये वायरलेस नेकबैंड है, और मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, ये वायरलेस नेकबैंड हमारी कैसे होने वाली है, तो इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों ये हमारी जो वायरलेस नेकबैंड है CL3990, और ये वायरलेस नेकबैंड है हमारी जो CL3870। तो दोस्तों दोनों वायरलेस नेकबैंड सेम सी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो हम इनके बॉक्स में देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो पहले मैं जो हमारी वायरलेस नेकबैंड है CL990, तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसके अंदर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, और यहीं पर हम देख लेते हैं जो हमारी ये वायरलेस नेकबैंड है। तो दोनों के अंदर USB डाटा केबल देखने को मिल जाती है जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं इनके अंदर एक एक हमें जो एक एक कार्ड देखने को मिल जाते हैं जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं एक एक पाउच इनके अंदर जो प्लास्टिक के पाउच यूबॉन की ब्रांडिंग के साथ हमें देखने को मिल जाते हैं, और इनके अंदर हम देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। दोस्तों इनके अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं जो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों जो हमारी CL3990 है उसके अंदर दो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाती हैं, लेकिन यहीं पर हम बात कर लेते हैं CL3870 की, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही जो हमारी ईयर टिप्स हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों इनके अंदर सिर्फ यही चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की जो वायरलेस नेकबैंड है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, और यहीं पर हम देख लेते हैं CL3870 को। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारी वायरलेस नेकबैंड है ये CL3990, आप देख सकते हो जो इसकी लुक है वो बहुत ही अच्छी जो आपको लुक देखने को मिल जाती है। ऊपर काफ़ी काम किया गया है यूबॉन की तरफ से, और आप देख सकते हो यूबॉन की ब्रांडिंग आपको दोनों साइड देखने को मिल जाती है। और उसके बाद जो पावर की बटन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, वॉल्यूम अप डाउन की बटन ही आपको यहीं पर इसके नीचे देखने को मिल जाती है। और इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी जो डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और दोस्तों नीचे की तरफ आप देखते हो तो जो इनकी कुछ यूजर्स गाइड लिखी हुई हैं वो आप यहां पर देख सकते हो। तो दोस्तों जो वायर है वो काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है, और उसके बाद जो ईयर टिप्स हैं वो काफ़ी अच्छी आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। यहीं पर हम बात कर लेते हैं जो इनके ऊपर ईयर टिप्स के ऊपर ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, ईयर टिप्स हैं वो आपको मैग्नेटिक यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं CL3870। तो दोस्तों ये वायरलेस नेकबैंड भी बिल्कुल कुछ सेम सी यहाँ पर हमें ऐसे ही देखने को मिलती है।
आप देखोगे कि ये थोड़ी सी कुछ नॉर्मल हार्ड सी है कुछ, और उसके बाद आप देख सकते हो कि जो इसकी डिज़ाइन है वो कुछ सिंपल सी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। दोनों तरफ जो यूबॉन की ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं जो इसका वायर है वो थोड़ा ठीक ठाक सा जो वायर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये ईयर टिप्स हैं वो भी बहुत ही पतली सी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर देख सकते हो आप, इनके ऊपर भी यूबॉन की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों ठीक ठाक सी ये भी वायरलेस नेक बैंड आपको देखने को मिल जाती है। तो अब इनको हम ऑन करते हैं और अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, देखते हैं जो इनका साउंड है वो किस तरीके का इनका देखने को मिलता है। तो ये दोनों वायरलेस नेक बैंड हैं, ये आपको 6 मंथ की वारंटी के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये यहाँ से लाइट इंडिकेट कर रही है और ये जो पेयरिंग के लिए रेडी हो चुकी है। यूबॉन ने टाइप सी वाला जो इनका जैक है वो यहाँ पर दिया है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो हमें यूबॉन 3990 की तरफ से देखने को मिलता है। पहली जो ऐसी वायरलेस नेक बैंड होगी जो यूबॉन की, जिसके अंदर आपको टाइप सी वाला जो चार्जिंग पॉइंट है वो देखने को मिलता है। दोस्तों ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो मुझे अट्रैक्टिव डिज़ाइन लगी और काफ़ी अच्छी जो टेक्नोलॉजी के साथ जो चीज़ नए फीचर्स आए हैं वो यूबॉन की CL3990 खिलाड़ी सीरीज में हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं, ये अगर आप इसको देखते हो तो ये एक नॉर्मल सी जो वायरलेस नेक बैंड है, जो इनकी कंटिन्यू वायरलेस नेक बैंड चली हुई है उनमें से आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं अपनी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लेता हूं और देखता हूं इनको कि कौन सी जो डिवाइस है वो पहले कनेक्ट होने को यहां पर देखने को मिलती है। दोस्तों जो आप देख सकते हो दोनों डिवाइस हैं वो यहाँ पर पेयरिंग के लिए रेडी हैं। और हम पहले 3990 को हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं साउंड क्वालिटी किस तरीके की इसकी होने वाली है। तो दोस्तों ये कनेक्ट हो चुकी है और इससे आप देख सकते हो यहाँ से, दोस्तों साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों किस तरीके की जो साउंड क्वालिटी है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है CL3870 के अंदर, और इसके लिए हम दूसरा गाना चलाएंगे, साउंड क्वालिटी है वो इसमें भी आपको सुनने को मिलती है। दोस्तों काफ़ी अच्छे प्राइजों में ये दोनों वायरलेस नेक बैंड आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो 3990 हमारी वायरलेस नेक बैंड है ये हमें देखने को मिलती है 800-700 रुपए के बीच में आपको देखने को मिल जाती है टाइप सी जैक के साथ। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं जो हमारी CL3870 है, ये आपको मिल जाती है 600-700 रुपए के बीच में, ये वायरलेस नेक बैंड आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों काफ़ी अच्छी जो वायरलेस नेक बैंड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आप इनको परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छी वायरलेस नेक बैंड मिल जाती है हमें और काफ़ी अच्छी वायरलेस नेक बैंड है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।